साबिक वफाकी वजीर गुलाम साहब खान साहब, हाजी अमजद साहब, वासिक कयूम साहब स्टेज पे बैठे हुए, मौजज़ीन ब्रिगेडियर तारक जमान साहब, खवातीन एमपीएस, खवातीन अदरान, दोस्तों बुजुर्गों भाई और साहब, चूंकि मैं बहुत लेट पहुंचा हूं और मैंने कहा सिर्फ मैंने हाजिरी लगानी है, तकारीफ हो चुकी है, तो बस सिर्फ इतनी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को हिम्मत, जिंदगी और सेहत दे। आज कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं दो दिन से कि उनकी जान को खतरा है। ये बात हमारे लिए बड़े फख्र की है कि एक कायद इस कौम के लिए लड़ रहा है और मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर सारे लोग उससे खौफ खा रहे हैं, और आज हमारे लिए ये थोड़ी सी परेशानी भी है फख्र के साथ साथ कि अल्लाह ताला कभी वो वक्त ऐसा ना आए उनकी जान को कोई खतरा हो। हमारे जैसे लाखों लोग इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, तो सिर्फ इतनी सारी बात है। ये सारी मुश्किलें हमारे लिए, हमारे इस मुल्क के लिए, हमारे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए इमरान खान साहब ने हर मुश्किल जगह स्टैंड लिया है। तो आज इमरान खान साहब को तालियों की गूंज में इस हॉल से हम ये पैगाम देते हैं, इंशाअल्लाह तहरीके इंसाफ का एक एक कारकुन अपने लीडर के लिए गोली खाने के लिए, डंडा खाने के लिए हमारा पसीना और खून इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत के लिए है। तो बस ज्यादा बातें नहीं करनी, इंशाअल्लाह अगले जो 8-10 दिन है वो इस तहरीक के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं और खान सरवर साहब बैठे हुए थे, इमरान खान साहब का सारा दारोमदार पिंडी और इस्लामाबाद पे है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पीछे पिंडी इस्लामाबाद निकल गया, बाहर निकल आया, तो तहरीक कामयाब है। हम इंशाअल्लाह सारे वादा करते हैं, और मैं यहाँ अपने हलके की तरफ से आप सबको कमिटमेंट देने आया हूं, इंशाअल्लाह दामे दरमे सुखने हम अपने कायद के साथ हमारी जिंदगी और हमारी जान अपने कायद के लिए हाजिर है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हम सारे, ब्रिगेडियर साहब मेरी बुराइयां कर रहे थे कि हल्के में नहीं आते, हमारे बड़े गिले शिकवे हमसे आपको है नहीं, होते भी रहेंगे, लेकिन जब इमरान खान के लिए बात होगी हमारे सारे गिले खत्म इंशाअल्लाह। हम सीसा पिलाई की दीवार इमरान खान के साथ साथ आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे इंशाअल्लाह। सर दुआ कराओ जी।